ठीक है। आज का प्रातः क्लास है 27/8/1964। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। शिव बाबा बैठ करके अपने शिकील दे बच्चों को समझाते हैं। अपने क्यों का शिव बाबा के भी अपने और पराए हैं। अपने हैं तो कैसे और पराए हैं तो कैसे। अपने शिकील ने बच्चे इसलिए कहा कि जो सूर्यवंशी हैं और सन्मुख मुलाकात करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, और बाप को पहचानते हैं, वो है अपने शिकील दे बच्चे। शिकील दे इसलिए कि वो बहुत पुराने समय के बाद मिले। सबते पुराने थे, पुराने कौन है? चंद्रवंशी, इस्लामवंशी या बौद्धवंशी है? कहेंगे सूर्यवंशी बच्चे ही सूर्य के अपने शिकील दे बच्चे हैं। और भी बच्चे तो हैं, लेकिन आम बच्चे हैं, क्योंकि कोई इब्राहिम, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट को फॉलो करने लग पड़ते हैं, कोई ब्रह्मा को फॉलो करने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे हुए, मेरे अपने कैसे कहेंगे? तो उन बच्चों को मैं नहीं समझाता हूं। यहां तक कि मुरली में कह दिया, ये बच्चा तो बीच में सुन लेता है, मैं तुमको सुनाता हूं। कौन बीच में सुन लेता है? ब्रह्मा बाबा। तो और वंशियों में चंद्रवंशी तो ऊंचे हैं, और उन चंद्रवंशियों का जो हेड है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसको कोई नहीं सुनाता हूं, न समझाता हूं। तो औरों की तो बात ही क्या। इसलिए बोला मैं अपने शिकील बच्चों को समझाता हूं। और किस बात पर समझाते हैं है? खास बात कौन सी? खास बात है गीता का भगवान कौन है, क्योंकि सारी दुनिया की बुद्धि में बैठा है गीता का भगवान। 16 कलाओं में बंधा हुआ, प्रिंस कृष्ण है,
और बाप कहते हैं मैं तो कल आती हूँ। शास्त्रों में लिखते भी है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्पकांत करने वाला है, कलाओं से अतीत है। तो पूछना चाहिए कलाओं से परे सूर्य है या चंद्रमा है? सूर्य तो कलाओं से भी परे है। सूर्य को और सूर्यवंशी बच्चों को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। कलाओं में बांधने की शुरुआत सतयुग से होती है। सतयुग के आदि से नहीं, तो कोई जानते ही नहीं है गीता का भगवान कौन। तो कृष्ण को समझ लेते हैं, है तो ज्ञान सूर्य की बात, क्योंकि भारत में जो कुछ भी अज्ञान है उस अज्ञान को कहा जाता है घोर अंधेरा, अज्ञान अंधेरा। और अंधेरा किससे आता है? हैं, सूर्य से क्या आता है? सूर्य से तो सवेरा आता है, और चंद्रमा से अंधेरा आता है। चंद्रमा को जो फॉलो करने वाले हैं सितारे, उनके साथ भी क्या आता है? अंधेरा आता है। तो अभी अज्ञान अंधेरा तो है, फिर सो जरा ज्ञान का चाहिए है। अभी क्या है? अंधेरा है। अच्छा, बाहर की दुनिया में अंधेरा है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंधेरा के हैं? चलो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, वो तो गीता का भगवान कृष्ण को ही मानेंगे। मानते हैं कि गीता का साकार भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो क्या एडवांस जो ब्राह्मण है उनके लिए कहें कि ज्ञान का सोजरा है? है सुजरा है या अंधेरा है? अंधेरा है, सुजरा है। ऐसा तो नहीं अभी अभी सुजरा होता हो फिर अभी अभी अंधेरा आ जाता हो, कहीं बेहोश ना हो जाए। ऐसे भी होता है कि नहीं होता है? होता तो है, इसलिए बोला अज्ञान अंधेरा तो है, फिर सो जरा चाहिए, क्योंकि अज्ञान अंधेरा भी 100% चाहिए। अभी 100% का ज्ञान अंधेरा कहें, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कहें, अच्छा बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कहें, नहीं
और वो तो ज्ञान सूर्य को ही नहीं जानते। दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ दो। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर किसको मानते हैं? जब महिमा की जाए तो अंग्रेजी में इसको नाल स्थूल कहा जाता है, और हिंदी में ज्ञान का सागर कहा जाता है। बात तो एक ही है ना, तो अभी ज्ञान का सागर है, उनसे हमको क्या मिलता है? उनसे कह के दूर क्यों कर दिया ज्ञान सागर को? क्योंकि 64 की मुरली है, उस समय ज्ञान का सागर ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे, तो भविष्य में आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। तो पूछा उन ज्ञान सागर से हमको क्या मिलता है? थोड़ा सा लोटा मिलता है। ऐसे ही कहेंगे ना कितना लोटा मिलता है? वो जो नदियों का पानी होता है, उन नदियों के पानी में तो भर भर के बहुत स्नान करते हैं, है? लोटा पानी से स्नान करते हैं या डुब्बों को मार मार के स्नान करते हैं? भर भर के स्नान करते हैं। वास्तव में ज्ञान के सागर से तुम बच्चों को क्या मिलता है? वास्तव में एक सेकंड एक बूंद। देखो बूंद मिलने से, और कौन सी बूंद? बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। कौन सी बूंद मिलती है? हैं? अरे कोई बूंद है जो मिलती है? हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु एक बूंद है ना, और परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु एक बूंद ही तो है। आपने कहा तुमको समझाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको बूंद देता हूं, एक सिर्फ कह देता हूं कि बच्चे अब बच्चों का बाप हूं और मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो हम लौट करके कहां जावेंगे? कहां जाते हैं? हैं? अरे बाप का बच्चा कहां जाता है? बाप के घर में जाता है, अपने धाम में। शांति धाम कहो और सुख धाम में कहो। अरे बाप का घर शांति धाम में है या सुख धाम में है?
तो शांति धाम जाते हो या सुखधाम में भी जाते हो? है, शांति धाम में जाते हो, सुखधाम में तो नहीं जाते? जाते क्यों? तुम्हारा बाप शांति धाम का वासी है, शांति धाम उसका घर है, घर से ही आता है, घर में ही वापस जाता है, तुम बच्चों को भी ले जाता है, तो फिर सुखधाम की बात क्यों आती है? है नहीं, जो आत्माओं का बाप है, आत्मा रूपी बच्चों का बाप है, वो तो शांति धाम का वासी है। शांति धाम का वर्षा देता है, सुखधाम में क्यों जाते? उसका घर सुखधाम तो नहीं है? है, है, है? है? निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु साकार बाप में आते हैं, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, शांति धाम के वासी बाप को, शिव बाप को त्रिलोकीनाथ कहेंगे? हैं? कौन कौन से तीन लोग? शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। तो शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, वो तो सिर्फ शांति धाम का वासी है, इसलिए शांति धाम ही ले जाते हैं। परंतु फिर तुम बच्चे सुखधाम क्यों जाते हो? हैं? कौन से बाप का वर्षा मिलता है सुखधाम में? हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो कहते हैं सुखधाम मेरा है तो दुखधाम मेरा नहीं है क्या? है? वो सुखधाम का भी हीरो है तो दुखधाम का भी हीरो है। क्यों वास्तव में है तो एक सेकंड की बात समझने की है। ज्ञान का सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति में भेज देते हैं। अथवा बैकुंठ भेज देते हैं। जीवन मुक्ति कहने से शांति क्यों नहीं हुई? बैकुंठ नाम क्यों बोल दिया? है? जीवन में दुखों से मुक्ति एक सेकंड में, सत्य को ही कहेंगे। और बैकुंठ में एक सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं मिलती? बैकुंठ क्या है? सतयुग से भी ऊंचे की स्टेज है, संगम युगी स्वर्णिम युग, उसे कहते हैं बैकुंठ।
सो तो देखते हो कि घर बैठे बैठे वहां से दृष्टि देते हैं, मनुष्य यहां बैठे एक दो को सामने दृष्टि देते हैं और बाबा वहां बैठे भी बच्चों को दृष्टि देते हैं। कहां बैठे है? सतगुरु में बैठे बैठे नहीं, कहां बैठे बैठे दृष्टि देते हैं? सारी सृष्टि को दृष्टि देते हैं, सकाश देते हैं, शक्ति देते हैं। कहां बैठे बैठे है? शांति धाम में बैठे दृष्टि, वहां दृष्टि होती है, है? अरे अभी बताया, एक है सतयुग स्वर्ग और दूसरा है बैकुंठ। संगम युग स्वर्णिम युग, जहां बैठे बैठे बच्चों को दृष्टि देते हैं, क्योंकि बहुत हैं जो घर में बैठे बैठे ध्यान में जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं और डांस करते हैं। तो बाप कहते हैं कि देखो ये जो गाया हुआ है ना, एक लोटा एक बूंद देने से हम यहां से चले जाते हैं। कहां से? दुखधाम से शांति धाम सुखधाम चले जाते हैं। तो पूछा कहां चले जाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों को समझाया है जब भी कोई ध्यान में जाता है तो वाया मुक्ति या शांति धाम नहीं जाता है, यहां बैठे बैठे बैकुंठ देख लेते हैं। बरोबर ज्ञान का सागर है ना। अभी महिमा तो उनकी है, अभी क्यों कहा है? अभी माने संगम युग में, ऐसे क्यों कहा? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्यों नहीं है? वहां महिमा नहीं है? सतयुग त्रेता में तो बाप को जानते ही नहीं, द्वापर कलयुग में? द्वापर कलयुग में महिमा तो करते हैं लेकिन बिना जाने महिमा करते हैं या जानकर महिमा करते हैं? बिना जाने करते हैं। तो वहां की महिमा की भी कोई वैल्यू नहीं, तो सारी महिमा कहां की है? यहां की है। और इनकी नहीं, किनकी? ब्रह्मा की महिमा नहीं, उनकी महिमा है। उनकी कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि 64 की वाणी है और भविष्य के लिए इशारा किया, तो भविष्य में बोला उनकी सारी महिमा है और वो अभी संगम युग की ही महिमा है। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। क्या कहा? कौन समझाते हैं? बाप बैठ कर समझाते हैं। बाप समझाते हैं, समझाने वाला सिर्फ आत्माओं का बाप है,
या मनुष्यों के बाप में जब प्रवेश करता है तब समझाने वाला है। समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, और कोई नहीं समझाता। कौन समझाते हैं? है समझाने वाला एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, जो बाप भी कहा जाता, टीचर भी कहा जाता और सदगुरु भी कहा जाता। वो ही बैठ करके समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। कौन है? है गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है, वो तो ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान का सागर नहीं है। तो कौन है गीता का भगवान? है गीता माता का, गीता पति भगवान कौन है? ये तो है कि वो ज्ञान का सागर है और ये निराकार है। क्या कहा? ये और वो में क्या अंतर है? वो ज्ञान का सागर है। वो कह के किस तरफ इशारा किया? आने वाले समय की तरफ इशारा किया। वो ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान का सागर नहीं। कौन? मैं ज्ञान का सागर नहीं, जो ब्रह्मा में बैठकर बोल रहा हूं। मैं कौन और वो कौन है? वो ज्ञान का सागर, मैं ज्ञान सूर्य हूं, लेकिन ज्ञान का सागर। क्या अंतर है सागर में और सूर्य में? है सागर में नदियां समा जाती हैं और सागर से ही नदियां निकलती हैं। कब निकली? है अरे नदियां कब निकली? 76 में यज्ञ के आज से ही वो गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र ये नदियां निकली ना। कहां से निकली? अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली? मानसरोवर से। अच्छा सागर से नहीं निकली है? अरे मानसरोवर में जो भी पानी आया वो कहां से आया? सागर से ही तो आया ना। तो वो ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान चंद्रमा है और मैं ज्ञान सूर्य हूं। वो सागर है साकार। सागर कैसा होता है? साकार। और मैं हूं निराकार। वो भक्त लोग गाते हैं श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण निराकार है। अच्छा श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा निराकार है? क्यों क्यों नहीं है निराकार? उनका कोई भी फोटो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मा निराकार नहीं हो सकता।
कृष्ण की सोल ही इस समय ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है। अभी प्रश्न उठता है, तुम बच्चों को समझाना है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान कब सुनाया है? कब सुनाया? 47 में ज्ञान सुनाया, और वो ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा ने सुनाया है। जो बाप पूछते हैं वो बात बताएं कि श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने ज्ञान कब सुनाया है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? कहते हैं द्वापर के अंत में सुनाया। महाभारी महाभारत युद्ध जब हुआ द्वापर के अंत में, तब श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अच्छा, श्री कृष्ण ने अगर द्वापर के अंत में गीता ज्ञान सुनाया तो रिजल्ट क्या आया? कलयुग आया है। भगवान के ज्ञान सुनाने से रिजल्ट पापी कलयुग आता है? ऐसा हो सकता है? तो ये तो झूठ बात है। न श्री कृष्ण द्वापर में आ सकता है और न द्वापर में गीता ज्ञान सुना सकता है, और न वो ज्ञान सुनकर रिजल्ट कलयुग पापी बन करके आता है। ये सारी बातें झूठ या सच्ची? झूठ ही झूठ। द्वापर में श्री कृष्ण क्यों नहीं आ सकता? कोई कारण होगा है? कलातीत? वो तो सूर्य की बात है, कलाओं से परे है। नहीं, वो तो कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा संभवामि युगे युगे। मैं तो हर युग में आता हूँ, तुम कहते बाप बीच में नहीं आ सकता। नहीं, द्वापर में शास्त्रों में लिखा है 8 कलाएं होती हैं और सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, त्रेता में 14 कलाएं होती हैं। तो यही बात शास्त्रों की, शास्त्रों से ही कट जाती है। अरे कृष्ण भगवान था तो द्वापर में आएगा या सतयुग में आना चाहिए? और सतयुग में आए तो 16 कला संपूर्ण, और भगवान तो 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, वो तो कलातीत है। तो प्रश्न किया ज्ञान कब सुनाया, क्योंकि पहले पहले तो वो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, उस समय कंसपुरी थी, ऐसे ही कहते हैं ना। कंस को आवाज हुआ कि ये कृष्ण तुमको मारने वाला है, किसको मारने वाला है? कंस को मारने वाला है। क्या सिर्फ किस कंस को है? सिर्फ कंस ही पापी था? सिर्फ कंस को ही मारा क्या? नहीं, जब भगवान आते हैं
उस समय असुर तो सभी हो जाते हैं, कोई बड़े बड़े कसुर और कोई छोटे मोटे असुर। नाम देते हैं शास्त्रों में कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल वगैरह वगैरह। तो जो पाप आत्माएं हैं उन पाप आत्माओं का विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं, हैं? और पाप आत्माएं सबसे जास्ती कौन से युग में होती हैं? हैं? सबसे जास्ती पापी युग कौन सा है? कलयुग क्यों कहा जाता है सबसे जास्ती पापी? क्योंकि कलयुग में ही बड़े से बड़े पाप आत्माएं जन्म लेते हैं। इतने बड़े पाप आत्माएं न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में होते हैं। तो ये बात भी झूठी हो गई। क्या ये भगवान हर युग में आते हैं? जैसे गीता में लिख दिया संभवामि युगे युगे, न तो हर युग में आते हैं और न द्वापर के अंत में आते हैं, क्योंकि द्वापर के अंत में भी सारी दुनिया में बड़े बड़े पापी नहीं होते। तो कब आते होंगे? जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत में ही सारी दुनिया पापी असुर बन जाती है। असुर नाम क्यों रखा है? एक ही परिवार में एक कांग्रेस को वोट देता है, सपोर्ट करता है, एक जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, एक मायावती को सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, एक ही परिवार में सात तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। तो सुर से सुर मिला के रहते हैं क्या? हैं कि बेसुरे हो जाते हैं? बेसुरे हो जाते हैं। इसलिए सारी दुनिया में कलयुग के अंत में सब असुर कहे जाते हैं। तो उन असुरों का विनाश करने के लिए आते हैं, ये तो जरूर है। कंसी, जरासिंधी, पूतना, कासुर, बकासुर जो भी नाम है, नाम तो है ना सभी, है? नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो कंसी नाम क्यों पड़ा? कंस कन्या, कन्या को कोसने वाले हैं। जरासिंधी नाम क्यों पड़ा? है जरा माने पुराने, जराजीर्ण, सिंधी माने सिंधी। किसका राज्य होता है? हैं? पुराने पुराने कंसियों का, जरासिंधियों का राज्य होता है। कहां? बाहर की दुनिया की बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक की बात है या एडवांस ब्राह्मणों की बात है? कैसे? क्योंकि बेसिक की दुनिया में जो भी कंट्रोलर होते हैं कलयुग के अंत में, वो सब हैं सिंधी है और
नए नए ज्ञान में निकले हुए सिंधी नहीं, कैसे जराजीर्ण सिंधी, पुराने पुराने पूतना है। क्या अर्थ हुआ पूतना का? पूत माने पवित्र, ना माने ना मना जो बड़ी विभिचारिणी है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है। तो एक पूतना की बात है, या कलयुग के अंत में ढेर की ढेर ऐसी पूतनाएं होंगी, ढेर की ढेर पूतनाएं जो पवित्र नहीं रहती है, अपवित्र बनती ही रहती है। अकासुर, कैसा असुर? अक, अक माने है एक फूल का पौधा होता है, बहुत छोटा सा फूल होता है लेकिन दुर्गंध निकलती है बहुत, नाम है फूल लेकिन देता क्या है? दुर्गंध। दुर्गंध कहां से आती है? पवित्रता से आती है या अपवित्रता से आती है? हैं? हैं? जो विविचारिणी बनती है या विविचारी बहुत बनते हैं उनमें से बहुत दुर्गंध आती है। नहीं तो कभी किसी बंदर या बंदरिया के पास आके जाके देखना, क्या बंदर या बंदरिया हाथ में आ जाए तो उसके नजदीक जाके देखना कितनी गंध आती है। क्यों आती है? हैं? क्योंकि एक तो बंदर वैसे ही बहुत विकारी होता है और सब विकारों में सबसे जास्ती विकार काम विकार होता है। आज एक बंदरिया को पकड़ेगा, कल दूसरी, तीसरी, चौथी, और बंदरिया भी क्या करती है? आज एक बंदर के कंट्रोल में और कल दूसरे बंदर के कंट्रोल। तो ऐसे जो अक के फूल हैं, दुर्गंध छोड़ने वाले, विविचार से दुर्गंध आती है, उनको अकासुर कहा जाता है। और बकासुर है ऐसे असुर जो फालतू की बक 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 करते रहते। बगुले का रूप दिखाया है, बगुला क्या करता है? संस्कृत में बक बगुले को कहा जाता है। जो बगुला है वो एक टांग पे खड़े रहेगा, तालाब में, नदी के किनारे, ऐसे लगता है एक टांग पे खड़े होके तपस्या कर रहा है। और जैसे ही मछली नजदीक आई फट से गप कर लेता है, तो उसको बगुला कहा जाता है, बक। और उन बगुलों में भी बकासुर, बक बक की आवाज भी उनमें से निकलती है। तो जो भी नाम है सभी नाम शास्त्रों में उनके काम के आधार पर नाम पड़े हुए हैं। क्योंकि दैत्य तो सभी हैं, दैत्य नाम क्यों पड़ा? हैं? अरे दैत्यों की अम्मा का नाम दिति, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, एक मात्रा बढ़ती है ना बच्चे के अर्थ में,
तो दिति के पुत्र दैत्य मात्रा बढ़ गई। दिति क्या करती थी? दिति का अर्थ क्या है? एक थी दिति और दूसरी रानी का नाम था आदिति। क्या? कश्यप की एक दिति रानी और दूसरी आदिति। दिति माने फटी हुई और आदिति माने जो फटी हुई नहीं है। जो ज्यादा व्यभिचारिणी बनती है उनको कहेंगे फटी हुई, या जो पवित्र रहती है वो उनको पवित्र फटी हुई कहेंगे? किसको कहेंगे? फटी हुई माने अनेकों के साथ व्यभिचार करने वाली। तो ऐसी दिति के पुत्र हुए दैत्य। जैसी माता वैसे उनके संतान होती है। माता भी विचारिणी बनती है तो पुत्र भी विचारी बनते हैं। तो बताया कि कलयुग के अंत में दैत्य तो सभी हो जाते हैं। और एक तरफ एक जगह में होते हैं ना, एक ही समय में बैठ करके समझाया जाता है। अभी श्री कृष्ण ने अगर जन्म भी लिया तो श्री कृष्ण छोटा था है? जन्म लेता है तो बच्चा कैसा होता है? छोटा ही तो होता है। 11 कब दिए? 11 छोटे बच्चे ने ज्ञान दिया या वो बच्चा बड़ा हो गया तब ज्ञान दिया? बड़ा होगा तभी तो ज्ञान देगा, क्योंकि जो ज्ञान दिया वो तो युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। कौन सा मैदान है? हाँ, कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। वहां बड़ा दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखलाते हैं युद्ध के मैदान में। भगवान श्री कृष्ण को वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखलाते हैं। पहले बच्चे की जयंती, कृष्ण भगवान बच्चे की जयंती, फिर बाद में गीता जयंती। कुछ समय लगा देते हैं। तो जब बड़ा हो जरूर जवान हो जाए, दिखलाते भी ऐसे ही है। युद्ध के मैदान में बच्चा नहीं दिखलाते हैं। पहले बच्चा बन के जन्म लिया, फिर बड़ा हो गया, तब युद्ध के मैदान में दिखलाते हैं। गीता सुनाई, युद्ध के मैदान में अर्जुन की गाड़ी हांकते हैं। हैं? किसकी गाड़ी? अर्जुन क्यों नाम पड़ा? भाग्य का अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है, ज्ञान का अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है।
तो जरूर है, जो भी दुनिया में ज्ञान का अर्जन करने वाले हैं, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले हैं, उनमें जो बड़े से बड़ा अर्जुन होगा उसकी गाड़ी हांकते होंगे कि सभी अर्जुनों की गाड़ी हांकते होंगे। तो उस समय बड़ा हुआ ना, छोटा बच्चा तो नहीं होगा ना। जब ये बड़ा हुआ है और फिर तब कहते हैं अलग रखते हैं, है? जेल में रखते हैं क्या? जन्म लिया तो जेल में रखते हैं और बड़ा हुआ तो जेल में बांध के रखते हैं या अलग रखते हैं, स्थान बदल देते हैं। 27-8-64 की वाणी का दूसरा पेज। छोटा जरूर था और जन्म लिया है, कुछ फिर बड़ा हुआ है तो बड़े के लिए ये दिखलाते हैं, वो भी दिखलाते हैं कि जन्म लिया है, बरोबर जन्म लिया है। जन्म लिया माने हैं? जन्म लेता है तो क्या होता है? पहले अंदर होता है, फिर बाहर आता है। तो जरूर है पहले अंदर रहा होगा, है? घर के अंदर रहा होगा कि बाहर निकला होगा, है? तब की बात है वास्तव में, है? अरे 98 तक अंदर रहा कि बाहर निकला? अंदर रहा। फिर दिखलाते हैं जेल में, फिर दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त भी था और जेल में से भी बाहर निकला, स्वतंत्र हुआ। जन्माष्टमी भी उसी दिन और 15 अगस्त भी उसी दिन। तब कौन से सन में? 98 है संगम युग की बातें। तो जन्म लेने से पहले अंदर था कि बाहर निकल पड़ा, दुनिया में निकल पड़ा बाहर या अंदर ही अंदर था? अंदर ही था। माना जब बच्चे ने जन्म लिया, बरोबर, और टाइम भी लगाते हैं बच्चे से बड़ा होने में, टाइम भी लगाते हैं भक्ति मार्ग में। यहां तुम बच्चे देखते हो कि बरोबर शिव बाबा की जो अभी साधारण तन में पधरामिनी हुई है, तो इस बात का कोई को भी पता नहीं है। बच्चा तो बना ही नहीं है, बच्चा बनने की बात है क्या? है? अरे बच्चा बना क्या? फिर भक्ति मार्ग में बच्चा क्यों दिखा दिया जन्म के समय? हैं? हाँ, बच्चा जो होता है वो बच्चा गीता जैसा शास्त्र जो आध्यात्म विद्या से भरा हुआ है उसके क्लैरिफिकेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो
तो साधारण दिखाते हैं। कोई को इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो, बच्चा तो बना ही नहीं। बच्चा बुद्धि था या बच्चा था? बच्चा बुद्धि तो कहें, वास्तव में अगर कहें कि वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश किया, वानप्रस्थ अवस्था माना बुड्ढा है, नौकरी भी करते हैं तो कितने साल में नौकरी से रिटायर किए जाते हैं, माने बुड्ढे हो जाते हैं तो रिटायर कर देते हैं। तो वास्तव में वानप्रस्थ अवस्था में यानी बुढ़ापे में प्रवेश किया है, ये 60 साल कब पूरे होते हैं? है यज्ञ के आदि में जो आदि ब्रह्म है जिसे परम ब्रह्म कहे, उसने शरीर कब छोड़ा है? मुरली में तो बता दिया, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हुए होंगे, तो 20-25 साल उस वर्ष की मुरली में से घटा दिए जाए तो कौन सा सन आता है? 41-42 आता है, तो फर्क हो गया ना। फिर कब आया पूछा, किसको भी पता नहीं है, उनकी तो तिथि तारीख बड़ी अच्छी तरह से दिखाते हैं, क्योंकि है शास्त्रों में कृष्ण जन्म की तिथि तारीख भी बताई है, वेला भी बताई है, पूरी हिस्ट्री दिखाई देते हैं। तो बताओ, ये अच्छी तरह से जो तिथि तारीख दिखाई है वो किस समय की है? जैसे रामचंद्र की रामनवमी कहते हैं, वो राम तो पीछे आया हुआ है, पीछे माने कृष्ण पहले या राम पहले? राम पहले। भक्ति मार्ग में राम को त्रेता में दिखाते हैं, और हम भी कहते हैं कि जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी युग में आते हैं, वो फेलियर युग हो गया। तो राम पीछे आया तो 14 कला संपूर्ण, और कृष्ण पहले आया तो 16 कला संपूर्ण। तो इस बात को भी तो समझा ही नहीं सकेंगे। उन राम को भी भगवान नहीं समझा जाए, क्यों है? अरे राम कभी, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो भगवान कभी फेल होता है क्या? होता है, भगवान थोड़ा ही फेल होता है।
तो उनको भी नहीं भगवान समझा जाए। वो राम भी तो गर्भ से पैदा हुआ ना है, गर्भ से पैदा हुआ या आयोनी था? गर्भ से ही तो पैदा हुआ। फिर देखो गीता के लिए बड़ा हो गया है कौन? कृष्ण। पहले छोटा था फिर गीता ज्ञान सुनाने के लिए बड़ा हो गया, और यहां शिव बाबा आया, आने से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया है। यहां संगम युग में वास्तविकता क्या है? शिव बाबा आया और आते ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। कब? कब की बात? क्यों 36 की नहीं है? 36 की भी बात है, लेकिन बीज धरणी के अंदर डाला जाता है या बाहर डाला जाता है? तो अंदर, तो किसी को पता ही नहीं चला उस समय कि ज्ञान का बीज डालने वाला कौन, ज्ञान का बीज ग्रहण करने वाला कौन, किसी को पता चला क्या? नहीं। तो बोला वहां की बात नहीं है, यहां शिव बाबा आने से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। कौन से सन से है? 76 से। तो ज्ञान सागर है ये, उनको छोटा तो नहीं होना है ना, बड़ा कहेंगे ये छोटा कहेंगे है? बड़ा माने समझदार, छोटा माने बच्चा बुद्धि। तो उनको छोटा तो नहीं होना है जो फिर बड़ा हो करके ज्ञान सुनावे। अभी है तो मनुष्य, मनुष्य को जरूर कोई ज्ञान देवे तब ही तो ज्ञान सुनावे है, कि कोई से ज्ञान लिए बगैर ज्ञान सुनावे? तो उस मनुष्य को जिसको ज्ञान दिया जाता है उसको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तो उनको तो ज्ञान सागर कहेंगे ही नहीं, जिसको कोई ज्ञान दे, ज्ञान सागर किसको कहेंगे हैं? हाँ, जिसको प्रैक्टिकल में कोई भी देहधारी, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी दूसरा व्यक्तित्व ज्ञान देने वाला न हो, उसको क्या कहेंगे? ज्ञान का सागर। क्योंकि वास्तव में राधे कृष्ण का जन्म ही वैकुंठ में दिखाएंगे। और मुरली में क्या बोला है? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की वाणी है, अगर पूरा चक्कर लगाएं षष्ठी चक्र का और 10 वर्ष कम कर दें, छोड़ दें, तो कौन सा सन आएगा? 76 ही तो आएगा। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म दिखा दिया।
ये राधे कृष्ण का जन्म दिखाया, लक्ष्मी नारायण का दिखाया ना, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। राधा कृष्ण की तो बात नहीं है, यहां तो राधा कृष्ण की बात है। कृष्ण का जन्म वास्तव में कब? बैकुंठ में, या कुंठ तो दुनिया में, नरक में? नहीं, उनका जन्म तो बैकुंठ में थे। अभी बैकुंठ है क्या? सन 76 के बाद अभी बैकुंठ का है? नहीं, तो फिर कब होगा? है हाँ, बोला 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो तुम बच्चे किससे बोला? जिनके सन्मुख सुनाते हैं उनको कहा तुम बच्चे, माना नंबर बार रुद्रमाला के मणके शिव के बच्चे, मेरे सिकील दे बच्चे, जिन अपने सिकील दे बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं वो बच्चे। उनका जन्म तो हुआ 76 में, और उन लक्ष्मी नारायण से किसका जन्म होता है? राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण का स्थूल जन्म पहले होगा कि ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में वाइब्रेशन का जन्म पहले होगा? वाइब्रेशन का जन्म पहले होता है। बाप के साथ साथ बच्चे की भी जयंती गाई जाती है। तो देखो, बाप और बच्चों का जन्म इकट्ठा है। कौन सा टाइम, कौन सा वर्ष? जब 40 वर्ष वो पूरे हों, तो राधे कृष्ण का जन्म बैकुंठ में दिखाएंगे। दिखलाएंगे, दिखलाया नहीं है। दिखलाएंगे का क्या मतलब? भविष्य में ये असली प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, जब कृष्ण की भी बुद्धि में आ जाए कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान है शिव शंकर भोलेनाथ है। अच्छा, ओम शांति।